राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे, इससे आपको फायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स अभी जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने ये रीडिंग शुरू की है, वैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे मोर एक साथ बोले हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ आपके लिए खास मैसेज है। यूनिवर्स ने कुछ खास रीडिंग दी है ये, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद ये साइन है कि जैसे ही मैंने यूनिवर्स से परमिशन ली, हेल्प मांगी, वैसे ही इतने सारे मोर बोले हैं आपके लिए। ज़रूर कोई मैसेज है, इसमें कुछ खास मैसेज है आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ कप्स, नेक्स्ट यहाँ कार्ड आया है एट ऑफ वैंड्स। आपको एट की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए है। आज मुझे मॉर्निंग में ही एट की सिंक्रोनिसिटी हुई थी। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है द फूल एंड नाइन ऑफ वैंड्स। मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लूँगी। अब एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। तो एट ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन एस ऑफ सोर्स आया है। नेक्स्ट मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ सोर्स से आया है, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सिक्स ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स एंड थ्री ऑफ कप्स। मैं अभी कार्ड शो कर रही हूँ आपको, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था एट ऑफ कप्स। ये संसार से डिटैच हो रहे हैं, आपसे दूर होने के बाद इन्होंने सोचा कि अब वैराग्य ले लिया जाए। ये डिटैच होते हुए दिख रहे हैं मुझे, और ये डिटैचमेंट डिवाइन ला रहे हैं इनके अंदर। इनका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, ये चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे इंसान हो, कहीं इनका दिल नहीं लग रहा है। इनकी सोल खोज रही है इनर पीस एंड हैप्पीनेस। ये अब इनर पीस एंड हैप्पीनेस की खोज में निकल चुके हैं, और वो खोज पूरी कैसे होगी, वो स्पिरिचुअलिटी से होगी, भगवान को याद करने से होगी, वो मेडिटेशन से होगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यानी अपने चक्रास वगैरह पे इन पर ध्यान लगाने से होगी। तो इस तरफ ये जा रहे हैं, इस तरफ ये चल पड़े हैं। ये आपकी हीलिंग की वजह से, आपके इनर वर्क की वजह से, आपकी भक्ति की वजह से ऐसा हुआ कि आपके पर्सन इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की ओर चल पड़े हैं, संसार का अटैचमेंट छोड़ के। ये संसार में फैमिली में किसी भी कहीं भी किसी भी तरीके से रह रहे होंगे, दिख रहे हैं ये संसार में रहते हुए, लेकिन इनका दिल संसार से बाहर, संसार बनाने वाले की तरफ चल पड़ा है। दुनिया में रह के इनका मन दुनिया बनाने वाले की ओर चल पड़ा है, इन्हें आप दुनिया बनाने वाला चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट एनर्जी भी डिवाइन की है, ईश्वर की एनर्जी आई है, यानी ईश्वर ने इन्हें अपनी ओर खींच लिया। कुछ इन्हें स्पिरिचुअल मुझे एक्सपीरियंस होते हुए देख रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, इसी वजह से ये और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं इस तरीके के एक्सपीरियंस की तरफ, ईश्वर की तरफ ये और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं इन्हें जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है। ये कुछ भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, आप सिर्फ इतना मानिए कि ये इनसे ईश्वर करा रहे हैं। ये इनकी हीलिंग के लिए, इनकी जर्नी के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए जो कुछ अभी हो रहा है इनके साथ वही सही है। इसलिए आप प्लीज़ अन्यथा ना लें, आप ये सोचें कि ईश्वर जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिटैचमेंट इनका है, संसार से जो डिटैचमेंट है, ये भगवान खुद कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आया है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल, और जिसका क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ सोर्स से आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यानी जहाँ पे ये स्टक एनर्जी थी, जहाँ पे ये होल्ड कर रखा था ये डिसीजन, ये हो सकता है ये कुछ चीज़ें कुछ अच्छा करना चाहते होंगे। अगर भगवान यानी पूजा पाठ भी अगर करना चाहते होंगे तो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, होल्ड करके रख रहे थे वो डिसीजंस को, तो वो अब ये नहीं करेंगे। इन प्रेजेंट ये मुझे क्विक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी ये है कि अगर मेडिटेशन करना है तो मुझे अभी करना है, अभी इसी पल करना है। अगर ये काम मुझे करना है तो अभी इसी पल करना है। अब ये होल्ड वाली एनर्जी से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, स्टक एनर्जी से मुझे ये निकलते हुए दिख रहे हैं। ये अपने अकॉर्डिंग यानी इन्होंने ये सोच लिया कि होल्ड करने से कब तक होल्ड किया जाए, तो ये इन्हें ये समझ आ गया कि अब मुझे एक्शन लेना होगा, और ये
अब ये क्विक एक्शन ले रहे हैं अपनी हीलिंग के, सबसे पहले ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और हीलिंग पे ध्यान देने का रिजल्ट क्या हो रहा है, द फूल की एनर्जी आ रही है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, द फूल की एनर्जी की, जितना ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जितना ये मेडिटेशन कर रहे हैं, जितना ये प्राणायाम कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इन्हें अंदर अपने अंदर अपने इन्हें इनर पीस मिलती जा रही है, उतना ही ज़्यादा इन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं, हो सकता है इनको ड्रीम आने लगे हों, उतना ही ज़्यादा इनका डिवाइन पे ट्रस्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जितना ज़्यादा ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। इनके अंदर जो भी इश्यूज थे, काम क्रोध लोभ मोह, एडिक्टेड थे अगर, तो ये सारी चीज़ें, जैसी भी एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो सब इनकी सोल से निकलती जा रही हैं। इनके पर्सनल इश्यूज जो कि जो कुछ भी थे, इनकी ऑरा में, इनकी सोल में जो कुछ इश्यूज थे वो निकल रहे हैं, ऑरा इनकी और इनकी सोल और लाइट हो रही है, जैसी डिवाइन ने बनाई थी वैसी इनकी सोल बनती चली जा रही है। इसीलिए हो सकता है इनको अभी कोई एनर्जी आपको इनकी कोई एनर्जी पिक ना हो रही हो, तो वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये बहुत अच्छे से, देखिए मैस्कुलिन क्या होते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में घुसते हैं तो फिर बस कोई हरा नहीं सकता, वो जब डीएफ जब अवेकन होती है तभी डीएफ ही वोट लगाती है मैस्कुलिन की, डीएफ ही उनका ईगो ब्रेकडाउन करती है, अदरवाइज इनको कोई हरा नहीं सकता। और अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर जब एक बार चल पड़ते हैं तो फिर कोई इनके कदम पीछे नहीं खींच सकता। तो यहाँ पे ये मैस्कुलिन मुझे इसी तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि इन्हें अब कोई हरा नहीं सकता, ये एक के बाद एक अपने इश्यूज हील करते जा रहे हैं और हील होते जा रहे हैं। इन्हें ये अपने इश्यूज खुद एनालिसिस कर लेंगे, मैं फियर की एनर्जी में मुझे इससे निकलना है, मैं एंगर की एनर्जी में मुझे इससे निकलना है, मैं लस्ट की एनर्जी में मुझे इससे निकलना है, इस तरीके से ये करते करते जाने की, क्योंकि मैस्कुलिन एक बार स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े फिर कोई कोई डेविल कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई थर्ड पार्टी कोई डेविल कोई कुछ नहीं कर सकता, ये फिर स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ में जाके रहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिख रहा है सिक्स ऑफ सोर्स और किंग ऑफ सोर्स देन थ्री ऑफ कप्स, मैं तीन को ही एक्सप्लेन करूँगी। सिक्स ऑफ सोर्स ये सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं कि इनका जो कुछ भी कार्मिक पैटर्न है, एक तो इनका जो साइकिल होगा इनकी लाइफ, जिस तरीके से अगर ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे इनकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स आते रहते होंगे, तो वो भी एक एनर्जी होती है कि ऑब्स्टिकल्स भी एक कार्मिक अकाउंट की वजह से ही आते हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हुए दिख रहा है। अगर ये किसी और पर्सन के साथ हैं तो वो कार्मिक अकाउंट इनका मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है, और ये खुद उसको हटा रहे हैं, मुझे ज़बरदस्त तरीके से मुझे हटाते हुए दिख रहा है। ये हो सकता है दो टूक कह रहे हों कि मुझे तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, ये थर्ड पार्टी इनके अपने हैबिट भी हो सकती हैं, हो सकता है आप इनके किसी एडिक्शन की वजह से इनसे दूर हुए हो, या हो सकता है कोई पर्सन किसी रिलेशनशिप की वजह से आप इनसे दूर हुए हो, तो जो भी ऐसी एनर्जी है जिसने आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया है, वो चाहे पर्सन हो या इनकी खुद की कोई हैबिट हो कोई सिचुएशन हो, उसको ये खुद अपने जुबान से खुद निकाल बाहर करेंगे, इन खुद की ये एनर्जी है, ये ना तो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे ना अपनी किसी बैड हैबिट को अपने अंदर रहने देंगे जिसकी वजह से आप इनसे दूर हुए थे, और ऐसा करके इन्हें बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसा करके इन्हें लग रहा है कि देखो इन्होंने अपना प्यार आपके प्रति जता दिया, ये भले ही आपसे दूर हो भले ही आपसे बात ना कर रहे हो लेकिन जो आप कहते थे वो ये कर रहे हैं, अगर आप प्राणायाम और योग करने को कहते तो ये कर रहे हैं, आप ध्यान करने को कहते वो ये कर रहे हैं, और करके इन्हें ये खुशी मिलती है कि देखो मेरे पर्सन ऐसा कह रहा था उसकी खुशी के लिए मैंने ये कर लिया। अगर आपने इन्हें ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी वाला बताया है तो ये ऐसा फील कर पा रहे हैं कि हम तो एक ही सोल हैं, मैं जो करूँगी वो उसे पिक हो ही जाएगा, तो भले ही आपको नहीं बता रहे होंगे लेकिन ये सब करके ये खुश हो रहे हैं, और इन्हें पता है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और जो थर्ड पार्टी वगैरह जो कुछ भी निगेटिव एनर्जी है उसको अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं, मुझे यहाँ एक्शन लेते हुए देख रहे हैं, हर निगेटिव एनर्जी को आपके रिश्ते के बीच में जो भी एनर्जी है उस निगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं उससे इन्हें ये खुशी मिलती है, उन्हें उससे इन्हें ये सुकून मिलता है कि ये चीज़ें आपको दर्द देती थी और मैंने हटा दी मेरी ज़िंदगी से वो चीज़ें जो आपको दर्द दे रही थी, ये सुकून इन्हें मुझे दिख रहा है कि ये इस खुशी में, अगर आपको इनके हैप्पीनेस की एनर्जी फील हो रही है तो वो यही एनर्जी है कि ये उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दे रहे हैं जो आज जिन्होंने आपको दर्द दिया था, और उन्हें हटा के इन्हें खुशी मिलती है। अब मैं ज़रा मूनोलॉजी से भी देख लेती हूँ कि इनकी और क्या आपके लिए फीलिंग है। इनकी फीलिंग आपके लिए स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, देखिए एक के बाद एक इशू जो हील कर रहे हैं लास्ट डेक से आया, तो ये स्टेप आउट ऑफ कम्फर्ट जोन सच में ये आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, ये एक के बाद मैंने बोला अभी एक के बाद ये एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, यानी इन्हें पता है कि सबसे पहले तो मुझे खुद को सुधारना है, पहले अपनी कमियों तो मैं दूर कर लूँ उसके बाद तो मुझे दुनिया को देखना है, पहले खुद को ठीक कर लूँ, तो खुद का एडिक्शन वगैरह जो कुछ भी है वो सबसे निकल रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, फिर वही कार्ड आया सपोर्ट करता हुआ, आप इनमें पावरफुल चेंज देखोगे, जब ये आएंगे तब ये चेंज होके आएंगे, ये पहले जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, ये चेंज होंगे तभी आपकी तरफ आ पाएंगे। शायद आपने ये बोल दिया यूनिवर्स को कि मुझे मेरा अवेकन पर्सन चाहिए, मुझे चेंज हुआ पर्सन चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरी मेरी मेरे ट्रू लव को पहचान सके, तो ये पूरी तरह से चेंज होके आ रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अंदर वो पावरफुल चेंज आ जाए जो आपको पसंद हो, ये अपना प्यार आपसे सिद्ध कर सके।
फिर वो एनर्जी आई मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, इस टेक्स्ट से भी यही आया। ज़रूर ये योग प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इस वजह से इनको अंदर बहुत सुकून मिल रहा है, इनर पीस एंड हैप्पीनेस मिल रही है, जिसकी वजह से ये जो ये कार्मिक अकाउंट इनका जा रहा है, कार्मिक अकाउंट जा रहा है, और ये है, इस हैप्पीनेस की एनर्जी में है, क्योंकि योग मेडिटेशन प्राणायाम इस तरफ ये चल पड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है, और यहाँ पे कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इनकी सोल इनसे कह रही है कि बोल्ड बनो और फर्स्ट मूव लो अपने रिलेशनशिप के लिए। अपने रिलेशनशिप को सुधारना है तो फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर से वर्क से फाइट करो, अपने फियर को निकालो, काम करो तो लोभ मोह, मैंने बोला कि भाई जो भी है सबसे इन्हें मुक्त होना है, तो ये हो रहे हैं, ये अपने पे वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर के हर इशू को ये हील करते हुए जा रहे हैं। मुझे यहाँ के पर्सन अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं कि पहले मुझे खुद को बदलना है, खुद को वैसा बनाना है जैसे डिवाइन ने मुझे बनाया था, जैसी मैंने डिवाइन ने मुझे कितना प्यारा बनाया था, मेरी सोल कितनी प्यारी बनाई थी, और मैंने कितनी सारी मतलब कितनी सारी बैड हैबिट्स अपने अंदर ले आई हूँ, उन सबको मुझे पहले दूर करना है। यहाँ और ये क्या सोच रहे हैं, ये सरेंडर, ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। देखिए द फूल की एनर्जी आ चुकी है, यानी ईश्वर पे इन्हें ब्लाइंड फेथ हो गया है कि ईश्वर ने कुछ इन्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं जो इन्हें ये एहसास होगा कि नहीं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान हर कदम पे मुझे बचाएंगी, मैं गलती करूंगी तो वो मुझे सही ट्रैक पे भी ले आएंगे। टाइम टू मूव ऑन, ये कार्ड जब भी आता है तो मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि आप अगर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो फिर आपके पर्सन मिरर कर जाएंगे, फिर वो मूव ऑन करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको अपने पर्सन को ना चेज करना है ना ब्लेम करना है, आपको इस ट्रस्ट में रहना है कि मेरा पर्सन है और मैं अभी इस समय भी यूनाइटेड हूँ, क्योंकि आप एक ही सोल हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट या फिर ट्रू लवर्स हो, तो ट्रू लवर्स को इससे मतलब नहीं होता कि मेरा पर्सन कहाँ है, बॉडी कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं। ट्रू लवर्स की लवर्स की सोल एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहती हैं, तो आपको इस ट्रस्ट में रहना है। अगर आप इस ट्रस्ट में रहोगे तो आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे उन सिचुएशन से जो जहाँ मुझे दिख रही हैं, जो मैंने आपको बोला कि उन निगेटिव सिचुएशन से मूव करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप अगर इनसे मूव ऑन करोगे फ्रस्ट्रेट होगे तो फिर ये मिरर करेंगे, फिर ये आपसे मूव ऑन करेंगे। इस बात पे बहुत ध्यान रहे, आप इस ट्रस्ट में रहें कि आपका पर्सन आपका है, आपने उस शिद्दत से चाहा है तो वो आपके साथ है, आपके दिल में है, इस बात में आपको रहना है, तब ये आपसे कनेक्टेड रहेंगे। रेस्पेक्ट, वो आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने आपकी रेस्पेक्ट नहीं समझी थी तो आप समझ रहे हैं, वो दिल से आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में ज़रूर होने वाली है। आपका रिश्ता एक खूबसूरत से मोड़ पर आने वाला है, एक खूबसूरत सा मोड़ आपका रिश्ता लेने वाला है। मेक द राइट चॉइस, इनकी राइट चॉइस आप हो। अभी तक इन्होंने जो चॉइस की थी वो इन्होंने रॉन्ग चूज़ कर लिया था, आपके अलावा किसी और को अगर चूज़ किया था, कुछ और किसी और बातों को अहमियत दी थी, आपको साइड किया था, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी राइट चॉइस आप होनी चाहिए थी। अब ये अपनी राइट चॉइस आपको कह रहे हैं और आप ही इनकी राइट चॉइस हो, इस समय इन्हें ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्योरिटी, आपकी प्योरिटी पे इन्हें ट्रस्ट है, इन्हें ये ट्रस्ट है कि भले ही आप इनसे मूव ऑन कर गए, भले ही आपने खुद को संभाल लिया, आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, लेकिन आप किसी और के नहीं हो सकते, इस बात पे इन्हें ट्रस्ट है, इन्हें आपकी प्योरिटी पे पूरा 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 ट्रस्ट है। मैं इनके लव मैसेजेस और देख लेती हूँ, इनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे एक दो मैसेज लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ पे इनका आई हेट दिस कार्मिक, देखिए किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, जो किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, तो कोई है जो जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, तो वो कह रहे हैं आई हेट दिस कार्मिक, ये कार्मिक मुझे बर्दाश्त नहीं है, साफ साफ बोल रहे हैं आई हेट दिस कार्मिक। और यहाँ बोले वी आर ट्विन सोल, देयर फॉर वी आर गॉड्स ट्विन, कह रहे हैं कि हम ट्विन सोल हैं, हम एक ही हैं, इसी वजह से हम गॉड्स के ट्विन, हम दोनों के हम दो हैं ही नहीं, हम एक ही हैं, और हम ईश्वर के ट्विन हैं, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया हम बिल्कुल वैसे ही हैं, यानी ईश्वर ने सबको अच्छा बनाया। तो ये इसीलिए पिछले डेक से ये रीडिंग आई है कि वो अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं कि ईश्वर, मैंने बोला था कि ईश्वर ने जैसा बनाया है मुझे खुद को वैसा ही बनाना है, और वो एनर्जी इस डेक से भी आ गई कि वी आर ट्विन सोल, देयर फॉर वी आर गॉड्स ट्विन, हम ईश्वर के ही ट्विन हैं। और ये बातें ने हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी की बातें आपने बोली हों, या फिर कहीं से इनको पता चल रही हैं, ये सोल के कॉन्सेप्ट पे आ गए, जो कन्फर्म मैसेज है वो ये है कि ये सोल के कॉन्सेप्ट पे आ गए, ये बॉडी के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ गए, रिश्तों के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ गए, इन्हें ये एहसास होने लगा है कि जो हकीकत में जो रिश्ता है वो ईश्वर से ही रिश्ता है। अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि ये आई हेट दिस कार्मिक इन्होंने बोला है तो कार्मिक कर क्या रही है, कर क्या रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ये बोल दिया कि आई हेट दिस कार्मिक, क्या कर दिया है कार्मिक ने, वो देखती हूँ। कार्मिक
अब जिंदगी से जाना ही होगा, कुछ करा है इसने और बहुत कुछ बड़ा किया है, जो भी ये कह रहे हैं ना आई हेट दिस कार्मिंग, कुछ बड़ा कर दिया है इसलिए उसको कह रहे हैं कि तुम्हें भागना होगा मेरी जिंदगी से, तुम जाओ यहाँ से। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके सिर पर बैठने की कोशिश करेगा, जो उनके सिर पर बैठने का ये देखिए ये किया है। अब बड़ी तांत्रिक क्रिया की तैयारी है, ये कार्मिक ना जो जिससे ये नफरत कर रहे हैं ये जरूर तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है, रखता है, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ी है, पड़ा है और ये बात इनको पता चल गई है, इसलिए ये कह रहे हैं आई हेट दिस कार्मिक। और यहाँ पे मैसेज है कि अब बड़ी तांत्रिक क्रिया की तैयारी, छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाओं से आपके पर्सन पर कोई असर नहीं हुआ, आपने प्रोटेक्शन इस लेवल का दिया है तो अब अपने पर्सन को प्रोटेक्शन जारी रखें, मारक मंत्रों का प्रयोग करें थर्ड पार्टी के लिए, और कवच कवच और मारक मंत्र ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखने अपने पर्सन के लिए करते रहें तो थर्ड पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही मैंने देखा था, देखना चाहता कि क्या ऐसा कर दिया है थर्ड पार्टी ने, क्या कर रही है कर रहा है जिससे ये कह रहे हैं कि आई हेट दिस कार्मिक, वो तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग कर रही है कर रहा है इसीलिए वो कह रहे हैं आई हेट दिस कार्मिक, इसीलिए गुस्सा आ रहा है उनको, मुझे नहीं लेना देना इसे, इसीलिए नफरत हो रही है उनको। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, आपको कुछ और जाना है, अपने ड्रीम डिकोड कराना है, कुंडली दिखानी है या पर्सनल रीडिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, हीलिंग के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी। आप जिस तरीके की आप काउंसलिंग चाहते हो, जिस तरीके का मीनिंग है कि आप अगर कहीं फंस रहे हो उलझ रहे हो तो आप प्लीज़ बात कीजिएगा, आप बात करोगे तब आपके कन्फ्यूज़न सॉल्व किए जाएंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ आपका आपकी क्वेरी है, आपको नहीं आंसर मिल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट आते हैं तो मुझे ये पता चल जाता है कि आप कहाँ उलझ रहे हो, किस तरीके की आपको हेल्प चाहिए, किस तरीके आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर पाती हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके पर्सन जिस तरह से डिवाइन अवेकन करा के आपकी तरफ ला रहे हैं उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़ें और आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आपको अपना पर्सन और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, आपको हर खुशी मिले और ईश्वर सदा 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 आपके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू, जय श्री राधे कृष्ण।